हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आसनल। आज हम देखेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। ओके, सो बेसिकली इनका जो है बर्थ एनिवर्सरी अभी रिसेंटली गया है, जनवरी 2 को गुरु गोविंद सिंह का। सो ये है, कौन है गुरु गोविंद सिंह? अबाउट गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम देखेंगे। तो ये 10th सिख गुरु है जो कि बॉर्न हुए था ये कहाँ पे ना, पटना में, बिहार में। ओके, इनका जो पटना बिहार में बॉर्न हुए थे, कब हुए थे ना, 22 दिसंबर 1666 को। उनका जो बर्थडे बर्थ एनिवर्सरी है, कभी कभी दिसंबर में पड़ता है, कभी कभी जनवरी में पड़ता है। ओके, ये जो है 9 ईयर्स में सिख गुरु हुए थे। ओके, जब उनके इनके जो फादर है वो मर गए थे। जो उनका फादर थे गुरु तेग जो बहादुर थे, 9th सिख गुरु थे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु हुए। सो इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। एक तो हो गया जो इंट्रोडक्शन किए थे, जो टर्बान क्या है ना, जो हेयर को कवर करते एक रहता है, ओके, उसको टर्बान बोलते हैं। और एक प्रिंसिपल ऑफ ये फाउंडेड किए थे, एक प्रिंसिपल ऑफ द खालसा। ओके, ही ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू एस्टेब्लिश द हाइस्ट ऑर्डर ऑफ द सिख कम्युनिटी। ओके, ये जो सिख का जो फेथ रिलीजियस जो है, जैसे क्या मोरल एंड कोड्स ऑफ डिसिप्लिन, ओके, ये सेट किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। इन्होंने बैटल भी लड़ा था जो कि अगेंस्ट द मुगल के, ओके, मुगल के साथ। लेटर वो एक बैटल ऑफ द मुख्तासर इन 1705 में लड़े थे। ओके, उनका असिनेशन हुआ था, कब मौत हुआ था ना, 1708 में। उनका नाम जो है गुरु ग्रंथ साहिब का है। ओके, एक रिलीजियस टेक्स्ट बुक को उन्होंने खालसा एंड सिख के लिए एक ओके उन्होंने लिखा है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।